नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पीएमसी गुजरात से मैं श्वेता श्रीवास्तव आप सभी मित्रों का बहुत स्वार्थिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, कल गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु ही हमारे जीवन को आगे ले जाता है, गुरु ही हमें बढ़ाता है, गुरु के जरिए ही हमें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता है और अपनी ज़िंदगी को हम आगे ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर गुरु ना हो तो कितना भटकाव होता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों गुरु के लिए एक प्रार्थना है आज हम लोग करेंगे, मेरे साथ करिएगा दोस्तों। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जो सृजनकारक है गुरु ब्रह्म वही है, जो ब्रह्म है वो गुरु है। गुरु पालनकर्ता विष्णु है, विष्णु भगवान ये भी गुरु है, ये पालनकर्ता है, हमें पाल रहे हैं, सृजन के साथ हमारे पालन करता है। और गुरु ही संहार करता महेश्वर के रूप में है, महेश्वर जो संहार करता है कि कोई चीज हम जब जन्म ले रहे हैं हमारा पालन पोषण हो रहा है और हमारा संहार भी अवश्यंभावी है। निश्चित रूप से गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं और हम गुरु को प्रणाम करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है। हम जो ध्यान करते हैं श्वासों के प्रति, अब आना पान आती हुई सांस और जाती ही श्वास, ये भी क्या है, ये हमारी गुरु है, श्वास ही हमारी गुरु है। तो गुरु की जो मूर्ति है वो ध्यान का मूल है, गुरु के चरण पूजा है, गुरु की वाणी मंत्र रूप है, गुरु की कृपा मोक्ष प्रदा है। हम जब सांसों के साथ अपने एक हो जाते हैं और जब अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हमें इंट्यूशन आने लगती है। जब हम रेडी होते हैं, कहते हैं ना जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो अपने को तैयार करने के लिए ध्यान ही मूल मंत्र है दोस्तों। आनापान सती ध्यान सबसे सरल और सहज, सबसे सहज और स्वाभाविक। दोस्तों गुरु, आज वेद व्यास जी की छोटी सी प्रार्थना है उसको भी हम करेंगे, ठीक है, और इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो अस्तु ते व्यास विशाल भूते पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वयः भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। हे व्यास भगवान आपको प्रणाम है, आपकी बुद्धि विशाल है, आपके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान बृहत हैं, आपने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। दोस्तों हमारी एक श्रृंखला छोटी छोटी सी शॉर्ट क्लिप्स आप सबके लिए पीएमसी गुजरात की ओर से हम लेके आए हैं और डेली आप लोग हमें हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने हितजनों को भी भेजिए और हम लोग डेली छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स देखेंगे, उसमें छोटा छोटा जो हमारे भगवद गीता का नॉलेज है उसको हम सब सुनेंगे, ठीक है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।